योगी राज में बेटी को रुलाया तो योगी ने तुरंत मिट्टी में मिलाया, रातों रात कर दिया विकास दुबे वाला हाल। फोन करके मोदी भी देने लगे शाबाशी। 8000 के फोन के लिए ली थी बेटी की जान। योगी को लगी खबर तो तुरंत जारी हुआ फरमान, न जेल हुई न बेल, सीधे कट गया ऊपर का टिकट। लापरवाही करने वाले दरोगा का भी हुआ बुरा हाल, पहले क्लास लगाई फिर बाबा ने छीन ली वर्दी। 48 घंटे के अंदर योगी ने किया फैसला ऑन द स्पॉट। दो बदमाशों ने योगी के नाक के नीचे कांड किया, लेकिन वो भूल गए कि अब योगी बाबा उनके साथ क्या करेंगे, अगले 48 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है। इन बदमाशों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जब मामले की खबर योगी बाबा को मिली तो फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। योगी बाबा ने एक बेटी को हमेशा के लिए खामोश करने वाले इन अपराधियों को 48 घंटे के भीतर ही ठिकाने लगा दिया और इनका हाल ठीक वैसा ही किया जैसा विकास दुबे का किया था, जिसके बाद अब पूरे देश में योगी बाबा की जमकर तारीफ हो रही है। कैसे 48 घंटे के अंदर एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए योगी बाबा ने न सिर्फ अपराधियों को ठिकाने लगाया बल्कि लापरवाह पुलिस वालों की वर्दी भी छीन ली। इसकी सारी जानकारी आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आगे देंगे, लेकिन इससे पहले केवल 8000 रुपए के पुराने मोबाइल के लिए एक बेटी के साथ हुई इस घटना के बारे में जान लीजिए, जिसे जानने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये मामला गाजियाबाद का है, जब एक बीटेक की छात्रा ऑटो से अपने घर जा रही थी तभी दो बदमाशों ने ऑटो का पीछा किया और ऑटो में बैठी कृति नाम की छात्रा से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में कृति ऑटो से नीचे गिर गई, लेकिन बाइक सवार बदमाश फिर भी कृति से उसका फोन छीनने की कोशिश करते रहे, जिसके चलते कीर्ति के सर में गंभीर चोट आई और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान कीर्ति ने दम तोड़ दिया। 8000 के पुराने मोबाइल को छीनने की कोशिश में जीतू नाम की बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अगले 48 घंटे में उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही योगी बाबा को इस मामले की खबर मिली तो योगी बाबा ने सबसे पहले इस मामले में लापरवाही दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और उसके बाद पुलिस को सख्त आदेश दिए कि कीर्ति के साथ में इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। इस मामले में बदमाश जीतू और उसके साथी को गिरफ्तार करने के लिए जब बाबा की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो जीतू पुलिस के हत्थे चल गया और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान जीतू ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में बाबा की पुलिस ने जीतू को मौके पर ही ढेर करके ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। योगी बाबा का कहना है कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसे उन्हीं भाषा में जवाब दिया जाएगा, इसीलिए जब तक उत्तर प्रदेश में बाबा हैं अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, क्योंकि योगी के रहते अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो अपराधियों का अंजाम ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन अब कीर्ति को इंसाफ दिलाने के लिए जनता योगी बाबा से बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग कर रही है, ताकि आगे से कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल इस मामले में बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 48 घंटे के भीतर योगी बाबा द्वारा किए गए इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप योगी बाबा के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं, हमें इस वीडियो के कॉमेंट में बताएं।